नमस्ते दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पे दस्तावेज सत्यापन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सूचना आया है। और सूचना ये है कि पशुधन सहायक यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए जो आपका भर्ती निकाला गया था उसके लिए दस्तावेज सत्यापन का दिनांक यानी कि डेट आ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में रॉयल नंबर वाइज कैंडिडेट का लिस्ट देखेंगे कि उन्हें किस दिन जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो बाकी आपको विस्तृत जानकारी है उसके बारे में लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ लिखा गया है कि पशुधन सहायक गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 10 बजे से निदेशालय पशुपालन पशुधन भवन गांधीनगर टोंक रोड जयपुर पर पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में एवं मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होंगे। यानी कि जिन कैंडिडेट का लिस्ट आया है और उसके सामने जो डेट लिखा गया है उस डेट को उन कैंडिडेट को उन परीक्षार्थी को प्रातः 10 बजे आपको निदेशालय पशुपालन पशुधन भवन गांधीनगर टोंक रोड जयपुर पे जाना है पात्रता की जांच के लिए। तो चलिए हम लोग जाके देख लेते हैं कि कौन कौन से रोल नंबर वाले कैंडिडेट को जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जिन परीक्षार्थी का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है उन परीक्षार्थी को 20/7/2022 को अपना दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। उसके नीचे जिन कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है उन कैंडिडेट को उन परीक्षार्थी को 21/7/2022 को अपना दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। उसके नीचे जिन परीक्षार्थी का यहाँ पे क्रमांक यानी कि रोल नंबर दिया गया है उन परीक्षार्थी को 22/7/2022 को अपना दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। ऐसे ही आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाइए और जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जाके देखिए कि आपका रोल नंबर इसमें है कि नहीं, और है तो आपको किस दिन जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा ही अगर हम लोग नीचे करते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को तो यहाँ पे अब आपको जो आपको अनुसूचित क्षेत्र हैं यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे ऊपर में आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको रोल नंबर का लिस्ट था कि उन्हें कौन से दिन जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र, और नीचे में आपको अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो आपका परीक्षार्थी हैं उन परीक्षार्थी को किस दिन जाना है अपना जो दस्तावेज सत्यापन के लिए वो यहाँ दिया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर है, और इस डिब्बा में जिन परीक्षार्थी का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है उन परीक्षार्थी को 5/8/2022 को अपना दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। उसके नीचे जिन परीक्षार्थी का नाम है उन्हें 8/8/2022 को जाना है, और यहाँ पर लिस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आपको नोटिफिकेशन आया है उसके नीचे यहाँ पे देखिए तो यहाँ लिखा गया है कि विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे जो आपके साइट का नाम दिया गया है पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए दिनांक 11/3/2022 को जारी विज्ञापन संख्या का दूत को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका फॉर्म होता है उसका लिंक तो आपको हम दिखा देंगे सबसे पहले कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और जो आपका वो फॉर्म है वो भी आपको दिखा देंगे हम, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है यहाँ पर लिखा गया है, और विस्तृत आवेदन की फ़ोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि जो आपका विस्तृत आवेदन है वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, और इसका यहाँ पे आपको फोटो कॉपी यानी कि आपका जो प्रति होता है यानी कि जो आपको फोटो प्रति होता है वो आपको यहाँ पे स्वीकार नहीं की जाएगी। और आप लोग जाके सबसे पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप लोग सबसे पहले पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे स्टेप दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे नियम बताया गया है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसका पालन कीजिए। और अगर यहाँ पे हम लोग देखिए पॉइंट नंबर 5 में 5 में यहाँ लिखा गया है कि अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों का बोर्ड की वेबसाइट से अब उपलब्ध है। यानी कि जो आपका
फॉर्म है उसका प्रपत्र जो आपका है वो आपको बोर्ड के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि आपको दिखा देंगे हम लोग। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है कि जो कि जिन कैंडिडेट का परिवार का जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 से कम है, और वो अगर परीक्षा शुल्क 2,000 कि जिन परीक्षार्थी का परिवार का जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 से कम है, और अगर उन्होंने परीक्षा शुल्क ₹2,050 ही जमा करवाए हैं, ऐसे परीक्षार्थी ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की जो वार्षिक आय है 2,50,000 के रुपये में वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होने का जो आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आपको लाना है। यानी कि जो कैंडिडेट अपना जो आपको आय के लिए यानी कि आपका जो 2,50,000 से कम आपका वार्षिक आय है आपके परिवार का, तो उसके लिए आपको जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो अभी आपको साथ ले जाना है, जिससे कि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंटिफिकेशन में। तो ये था आपका विस्तृत रूप से या आपको जो विज्ञापन आपको नोटिफिकेशन आया है पशुधन सहायक यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और जाके पूरा डिटेल पढ़िए, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम जाके देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे फॉर्म बताया गया है कि आपको वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, और वहाँ पे जो दिशा निर्देश है उसे आप लोग पूरा पढ़ के पूरा पालन कर लीजिएगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट कॉर्नर पे जो यहाँ पे आपको डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म दिख रहा है उस पर क्लिक करके, और जो आपके यहाँ पे आर्काइव लिखा गया उस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा आपको न्यू डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, और आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे ये खुल जाएगा। यहाँ पे ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, तो ये आपको जो आवश्यक दिशा निर्देश है, तो आप लोग इसको फटाफट से डाउनलोड कीजिए, इसे पूरा पढ़िए, और इसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया है उसे आप लोग पालन कीजिए, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में कोई दिक्कत ना हो। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे परीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म है उसके लिए आप लोग आगे जाके जो आपको लिंक है आपको मैंने बता दिया है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उस वहाँ पर जाके आपको डाउनलोड करके उसे पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पक्ष में कोई दिक्कत ना हो। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, जो भी परेशानी हो हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का भरपूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।